हेलो फ्रेंड, आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई, यानी धुलाई कर रही हूँ। सफाई तो रोज़ होती है, पर आज कमरे को अच्छे से साफ कर रही हूँ, धुलाई कर रही हूँ। बच्चे कचरा कर देते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो सफाई धुलाई कर लेते हैं। आज कमरा देख सकते हैं आप, ये कितना कचरा निकल रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे बाथरूम है तो मैं कचरा सारा बाथरूम में डाल लूँगी। यहाँ से मैं दरवाजे नीम गेट है ये हमारा, तो मैं यहाँ से साफ़ कर लूँगी। पर्दा मैंने ऊपर को कर लिया है, और ये सर्प का पानी बना रखा था मैंने, तो मैं उससे साफ़ कर रही हूँ पहले। तो मैं सर्प के पानी से साफ़ कर लेती हूँ, फिर साफ़ पानी से साफ़ कर लूँगी। पहले किचन की धुलाई की थी मैंने। ये है हमारा आला रूम, जिसमें एक बेड और एक अलमीरा रखी हुई है हमने। तो मैं धुलाई करती हूँ, अच्छी तरह से धुलाई कर लूँगी। और जैसे पोछा लगा लेते हैं ऐसे, डेली डेली तो पोछा लगा लेते हैं, कभी महीने में एक या दो बार कमरे की धुलाई कर लेती हूँ, जिससे कमरा साफ रहता है। पोछा में ही होता है तो सफाई नहीं लगता है। सफाई सफाई तो होती, पर कभी कभार ना धुलाई भी करनी पड़ती। बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था कमरा, तो मैंने कहा चलो धुलाई कर लेते हैं। ये आला है सेकंड रूम, जो पीछे साइड में है, ये छोटा रूम है, इसमें एक बेड लगा हुआ है, ये पलाई है, एक और है। तो रात को जब सोते हैं तब लगती है। यहाँ पे हमने रखा है टेबल, टेबल में जैसे कपड़े उठा देते हैं दिन में, अंदर बाहर जाने के लिए होता है ना, कपड़े वपड़े सुखाने होते हैं, तो यहाँ सामने कपड़े सुखाते हैं। ये गेट दिख रहा है, उसके सामने बालकनी है, वहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। तो यहाँ पे बेड हमें उठाना पड़ता है डेली, तो कमरा साफ कर लिया मैंने वो भी। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, मतलब कपड़े से जो पानी आने रह जाता, तो मैं उसे साफ कर रही हूँ। पानी सारा पोछ लूँगी, फिर जटा के मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं कमरे का सारा पानी पोछ लेती हूँ इसी तरह से, जो पानी बच गया था, क्योंकि कमरा धुलाई किया तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं पोछा लेके उससे पानी साफ कर रही हूँ, पानी को सुखा लूँगी। और यहाँ पे मम्मी कुछ काम करने के लिए आई है, तो मम्मी अपना काम कर रही है। यहाँ पे एक कढ़ाई थी, कढ़ाई साफ़ कर रही है मम्मी, यहाँ पे सब्जी बनानी है। और मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। मैं चावल के डब्बे रखते ना, उनमें थोड़ा धूल बैठ जाती, तो साफ़ करके मैं अभी आ गई अपने रूम में। अपने रूम का मैं पानी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे माई ना अंदर बाहर कर रही, मैंने इसको नहला लिया था, इनको नहलाने के बाद मैं कमरा साफ़ कर रही हूँ। तो ये नीचे खेल लिए, इधर उधर करती। मैं कह रही हूँ कि तुम पोछा लगाते वक्त नीचे मत आया करो, गंदा हो जाता है, ऊपर बैठा करो। मैं इसको डांट रही हूँ, तो ये ऊपर बैठ के यहाँ पे। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, फिर से नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए मयंक, मयंक एकदम शांति से बैठा है अभी। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? नीनू आ रही है अभी, हम खाना पीना खा के बैठे हुए हैं बिस्तर में आगे सोने के लिए। ये देखिए मयंक ने आज टोपी पहनी हुई है, अभी पहनी, ज़्यादा देर रहने नहीं देता, अभी शौक के लिए पहनी हुई है। ये देखिए माई ने भी पहनी है, और नींद आ रही है, थके हैं दिन भर। ये देखिए मयंक को, और यहाँ पे देखो मयंक ने ना नाखून मारा मेरे मेरे में, देखो ये देखिए देखो मेरे में मारा है, नाखून लगाता मयंक, मेरे में भी ना नाखून लगाया है, नाखून काटने इसके टाइम नहीं हो पा रहा है। ये गंदी बात जी अंदर डालो मयंक, नो मयंक। ये देखिए कैसे शरारती बच्चे है, दिन भर बहुत ज्यादा काम रहता है, थक जाते हैं, थके हैं। ये देखिए ये शरारती है, बहुत ज्यादा शरारतें करता है।
नहीं देखे देखे मयंक शरारे थे, टोपा भी नहीं लगाता ज्यादा देर, ना टोपी लगाता ना सॉक्स पहनता है, जूते चप्पल रहने देता है, खांसी जुकाम है इसको। ये देखिए कैसे खांस रहा है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आए कर दो, वो बोला क्या। हमारे एक फ्रेंड हैं जो बोलते हैं डेली वीडियो अपलोड किया करो, होता ही है कि सुबह बेटी की क्लास रहती मोबाइल में, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, फोन ज्यादा तक उसी के पास रहता है, तो मैं ब्लॉग कम बना पाती हूँ, इसलिए मैं अपलोड नहीं करती, डेली काम नहीं दिखा पाती, कभी कभी दिखाते हैं। अभी भी देख के शोर शराबा कर रहे बच्चे, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों के लिए शेयर करें।